हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 86 की, जो कि 10 फरवरी के लिए जारी किया गया। ये क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट रिलेटिव वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखे हैं, अपने क्लास टीचर का नाम लिखे हैं। बच्चों टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी आउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इन रिवीजन वर्कशीट वी आर गोइंग टू स्टडी आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। तो चलिए बच्चों देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है। आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है? तो बच्चों जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप, इसमें क्या क्या बात करते हैं बच्चों कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्किल एट एवरी पॉइंट। सर्कल बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे। एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू ए मैग्नेटिक फील्ड अपेयरिंग स्ट्रेट एट सेंटर ऑफ द लूप और द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द लूप इज सेम। बच्चों फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जो इसे इफेक्ट करते हैं, जैसे कि पहला है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड किसके? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड्स अप टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनदर लूप। दिस इज बिकॉज करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज सम डायरेक्शन। बच्चों अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सोलेनोइड की, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे भी देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो सोलेनोइड होता क्या है? वैसे एक कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन ए सिलेंड्रिकल फॉर्म को हम सोलेनोइड कहते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनोइड में होता है वो सिमिलर होता है बार मैग्नेट के। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है इन साइड द सोलेनोइड एंड रिप्रेजेंटेड बाई पैरेलल फील्ड लाइन, जैसे कि दिखाई गई है बच्चों, ठीक है। फिर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? आउटसाइड सोलेनोइड होती है नॉर्थ से साउथ और इनसाइड सोलेनोइड होती है साउथ टू नॉर्थ। और सोलेनोइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज ए मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। बच्चों अब बात आती है बेसिक वे में किस चीज़ की बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट की। तो इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस है। ये कैसा है? ये टेम्परेरी मैग्नेट है और इसे डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। और ये कैसा? परमानेंट मैग्नेट है, इसे डीमैग्नेटाइज नहीं किया सकता। इसकी स्ट्रेंथ को वेरी किया जा सकता है, इसकी स्ट्रेंथ फिक्स रहती है। इसकी पॉलिटी को रिवर्स किया जा सकता है, इसकी पॉलिटी को रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये स्ट्रांग होती है, ये जनरली वीक होती है बच्चों। तो अच्छा ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की, अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसकी कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं, ये आपके फैक्टर्स हैं, इसे आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है बच्चों। चलिए फिर अगला देखते हैं बच्चों। वाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाउ कैन इट बी फॉर्म्ड? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसके बारे में लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट, इन दोनों का डिफरेंस लिखना आपको, ये आपका आंसर है। तो बच्चों ये हो गया आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।